परी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। कार्तिक आर्यन ने लिया फीस बढ़ाने का फैसला। प्यार का पंचनामा फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले कार्तिक आर्यन ने फिल्मों के बढ़ते ग्राफ को देखकर फीस बढ़ाने का भी फैसला किया है। खबरों के मुताबिक कार्तिक ने अपने फीस 7 करोड़ करने के बारे में विचार किया है। फिलहाल वो अपनी फिल्म भूल भुलैया लव आजकल 2 में बिजी हैं। इसके अलावा उनकी फिल्म पति पत्नी और वो 6 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। खबरों के मुताबिक एक्टर आश्वस्त हैं कि फिल्म मेकर को उन पर पैसा खर्च करने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट की माने तो बीते 1.5 साल में एक्टर की पॉपुलैरिटी में खासा इजाफा हुआ है। इस समय वो उस मुकाम पर हैं जहां दर्शक सिनेमा हॉल में उन्हें देखने पहुंच रहे हैं। शूटिंग के बीच सर्बिया में मस्ती करती नजर आई श्रद्धा कपूर। इस साल श्रद्धा कपूर ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी हैं। अब श्रद्धा सर्बिया में मस्ती करते हुए दिखाई दी हैं। श्रद्धा तस्वीरों में अपने दोस्तों के साथ मौजूद हैं और सर्बिया में घूम रही हैं। श्रद्धा अब फिल्म बागी 3 में नजर आने वाली हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर एक्शन सीन करते हुए भी दिखाई दे सकती हैं। बागी 3 की शूटिंग सर्बिया में चल रही है, जहां श्रद्धा ने शूटिंग से फ्री होकर कुछ तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर की हैं। श्रद्धा सर्बिया में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ संग फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म बागी 3 में श्रद्धा कपूर एक एयर होस्टेस के किरदार में नजर आएंगी। श्रद्धा और टाइगर स्टारर फिल्म बागी 3 साल 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। बागी 3 के अलावा श्रद्धा कपूर के पास कई प्रोजेक्ट हैं। फिल्म फेस्ट 2019 में शामिल हुए अनूप जलोटा और जसविंदर नरूला। मुंबई में मून वाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट 2019 आयोजित किया गया। इस मौके पर संगीत जगत की कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। इस दौरान भजन सम्राट अनूप जलोटा, जानी मानी सिंगर जसविंदर नरूला, विपिन शर्मा, इश्तियाक खान, ओम कनौजिया, अंजान श्रीवास्तव, सुजय मुखर्जी, केनी देसाई, इकबाल खान, सुआशित राज और मून वाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट के संस्थापक और डायरेक्टर देवाशीष सरगम समेत कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अमिताभ बच्चन ने शेयर की श्वेता और अभिषेक की बचपन की तस्वीरें। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले सितारों में से एक हैं। वो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी रील और रियल लाइफ से जुड़ी चीजें पोस्ट करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन की तस्वीरें शेयर की हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें श्वेता और अभिषेक के बचपन की हैं। दोनों नाइट ड्रेस में नजर आ रहे हैं। एक जैसे नाइट ड्रेस में दिख रहे श्वेता अभिषेक इस तस्वीर में काफी क्यूट लग रहे हैं। अभिषेक बच्चन ने श्वेता का हाथ पकड़ा हुआ है। तस्वीर के कैप्शन में अमिताभ ने लिखा, एक बच्चे की मासूमियत हमें वो वजह और मौका देती है कि हम भी वो बन सकें जो कि वो खुद हैं। श्वेता और अभिषेक अपनी हदों पर। अमिताभ के ट्वीट को खूब लाइक और शेयर किया गया है। शिल्पा शेट्टी को 90 के दशक में जीना और प्यार करना लगता था आसान। शिल्पा शेट्टी हाल ही में सिंगर सोफी चौधरी के चैट शो वर्क विद द होस्ट सोफी चौधरी में पहुंची। यहां उन्होंने अपने फिल्मी सफर के अलावा शादीशुदा जिंदगी पर बात की। शिल्पा शेट्टी ने शो में कहा, 90 के दशक में हमारे पास फोन नहीं था, मोबाइल फोन 1990 के आखिरी में आया था और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1990 से लेकर 1996 के दौरान ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी थी। इतना ही नहीं, शिल्पा शेट्टी ने 90 के दशक में प्यार करने को लेकर भी बड़ी बात बोली है। शिल्पा शेट्टी ने कहा, मुझे लगता है कि ये काफ़ी आसान था, मैं इसको ठीक से बता नहीं सकती, लेकिन आज के समय में ज़िंदगी काफ़ी उलझनों से भरी हो गई है। हम इसे केवल अपने लिए जटिल करते जा रहे हैं और रिश्तों को बचाने का हम पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सिर्फ प्रवाह के साथ चलना चाहिए। सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी के बयान की काफी चर्चा हो रही है। जू में फैमिली संग घूमती नजर आई सनी लियोन। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को हाल ही में फैमिली संग मुंबई के जुहू में स्पॉट किया गया। सनी काम के बीच परिवार वालों को समय देना नहीं भूलती हैं और वो फैमिली संग एंजॉय करना पसंद करती हैं। परिवार संग सनी के हैंगआउट की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें उनके हस्बैंड डैनियल वेबर नजर आ रहे हैं। कपल के साथ निशा नो और असहर भी घुमाई कर रहे हैं। सनी और वेबर दोनों ही बेहद कैजुअल आउटफिट में नजर आ रहे हैं। सनी पिंक टी शर्ट और ब्लैक ट्रैक पैंट्स में है। वहीं डैनियल की बात करें तो ब्लैक और ग्रीन कॉम्बिनेशन के कैजुअल आउटफिट में नजर आ रहे हैं। सनी के तीनों बच्चे निशा, नो और असहर की क्यूटनेस किसी से छिपी नहीं है। आउटिंग के दौरान तीनों कैजुअल ड्रेस में चिल करते नजर आ रहे हैं। सनी की बेटी निशा 4 साल की हो चुकी है। उनके 4th जन्मदिन पर सनी ने पार्टी भी रखी थी। बचपन में कोका कोला के मॉडल थे ऋषि, अनिल और बोनी कपूर।
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर ने ट्विटर पर कुछ पुरानी तस्वीरों को शेयर करके सनसनी मचा दी है। इन तस्वीरों में जहां कई कपूर सुपरस्टार का बचपन है, वहीं नरगिस और राज कपूर भी नजर आ रहे हैं। ऋषि कपूर ने एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की जिसमें कई बच्चे कोका कोला की बॉटल लिए नजर आ रहे हैं, लेकिन गौर से देखने पर आपको पता लगेगा कि कोई और नहीं बल्कि खुद ऋषि कपूर, बोनी कपूर और अनिल कपूर हैं। ऋषि कपूर ने इस फोटो को शेयर करने के साथ ये बताया है कि ये कोका कोला के ओरिजिनल विज्ञापन की फोटो है। दूसरी तस्वीर भी उसी दौर की है, लेकिन उसमें उस दौर की सुपरस्टार जोड़ी नजर आ रही है। इस तस्वीर में राज कपूर और नरगिस कोका कोला का विज्ञापन करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ ऋषि कपूर ने कैप्शन में लिखा है, कोका कोला के साथ एक और जनरेशन। इस तस्वीर में नरगिस काफी प्यारे स्माइल दे रही हैं, वहीं राज कपूर बेहद कूल मोड में नजर आ रहे हैं। रामायण वाली सीता की नई पिक्चरों ने मचाई इंटरनेट पर खलबली। रामानंद सागर की रामायण को भला कौन भूल सकता है। इस सीरियल के जरिए अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया जैसे कलाकारों को एक अलग पहचान मिली थी। आपने दीपिका को रामानंद सागर की रामायण में सीता के किरदार में देखा है। इस किरदार ने दीपिका को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। बढ़ती उम्र के साथ साथ दीपिका काफी बदल चुकी हैं। टीवी की मशहूर अदाकारा इस समय काफी सादी जिंदगी जी रही हैं। तस्वीरों में दीपिका बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हैं, वो बात अलग है। करीब 32 साल पहले दीपिका सीता बनकर टीवी की दुनिया पर राज कर चुकी हैं। भले ही दीपिका ने छोटे पर्दे से दूरी बनाई हुई है, लेकिन वो आज भी बला की खूबसूरत नजर आती हैं। उनके चेहरे को देखकर उम्र का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मायापुरी न्यूज़ एयर में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।